या नमो तस्य भगवतो अरहतो और सम्मा संबुद्धस्य। ये जी नमो तस्य भगवतो अरहतो और सम्मा संबुद्धस्य। तो बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वंदामि। एच बुद्धाय तीता च एच बुद्धाय नांगता, पंच पन्ना च एच बुद्धा, अहं वंदामि सर्वदा। तो परम पूज्य बाबा तुम्हें और बारंबार प्रणाम, दलितों के भगवान बन कोई किए बीश में नाम। तो मात पिता को सुमिर के और गुरु को शीश नवाए, और रक्षा मेरी कीजियो कोई सभा बीच में आए। तो गौर करना मेरे बंधुओं, ये बहुत ही सुंदर जो हमारा इतिहास सदियों से दबाया व छिपाया गया, वो इतिहास आज आप लोगों के मध्य में हम लेकर के चल रहे हैं, जिस इतिहास का नाम है त्योहारों का रहस्य, यानी त्योहार और पूजा, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, त्योहार और पूजा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि त्योहार क्या है और पूजा क्या है। त्योहार का मतलब होता है त्यो प्लस आहार, यानी त्यो माने तुम्हारे, आहार माने मारे गए। जिस दिन कोई त्यौहार पड़ता है उस दिन किसी ना किसी भी हमारे महापुरुष को छल बल ढोंग आडंबर कपट नीति के द्वारा हमारे किसी ना किसी महापुरुष को मौत के घाट उतारने का काम किया गया, उसी दिन पर त्यौहार बना दिए गए। ये त्यौहार का मतलब है बंधुओं। और पूजा का मतलब ये होता है, लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कह देना चाहूँगा पूजा का वास्तविक अर्थ जो होता है पू और जा। पू का मतलब होता है पूरी और जा का मतलब होता है जानकारी। जिस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए पूजा उसकी करनी चाहिए, लेकिन भारत में कैसा पाखंड फैला है और कैसा ढोंग फैला हुआ है उसी पर ये कहानी हम लोगों की बेहद मांग पर लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सहयोग करता हमारे भैया सुभाष चंद्र, जो करौंदीपुर थाना मानपुर बिस्मा डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से हैं, जिन्होंने 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का महान दान किया है, और हमारे भैया लक्ष्मीकांत जी जो हैं ये हमारे ही घर के रहने वाले, हालांकि हमसे खास परिचित हैं, हालांकि हमारे घर में नहीं रहते हैं, हमसे खास परिचित हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने भी 500 राष्ट्रीय मुद्राओं का महान योगदान किया है। तो इन सभी क्रांतिकारियों को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे शिवकुमार भैया जो सुंदर सुंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये राधे कैसेट के प्रबल सौजन्य से इसके रिकॉर्डिंग करता यानी प्रोपराइटर हमारे भैया शिवकुमार कुशवाहा जी जो आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो आइए आप लोगों को हम इस त्योहारों के रहस्य में लेकर के चल रहे हैं कि जो मुख्य रूप से हमारे भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जिनके कारण हमारे भारत देश में गरीबी दरिद्रता बढ़ती चली जा रही है, उन्हीं की बेहद मांग पर उन्हीं त्यौहारों के बारे में हम लेकर आप लोगों को चल रहे हैं। तो सर्वप्रथम दो लाइनें वंदना की हैं और तत्पश्चात फिर आगे की ओर चलेंगे, विचार करते हैं बंधुओं। एक गौतम गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत हैं तोई,
और राह दियो अंगुली माल को भय भरोसो मोए। ए बहे भरोसो मोई शरण लई चिंचा नारी और पटा चारा की बिगड़ी दशा कोई तुमने नाथ सुधारी। तथागत चीवर धारी हाँ तुम्हें दिली पुकारे हाँ शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ लाज दुखियन की बचाए जाओ हाँ। अरे का कहूं बात गत में आए आधी रात सखी खेची चुनरिया मोको जगायो और बुद्धरो धम्म को ज्ञान दयो गुया संघ को पाठ की मोहरी पढ़ायो। ए पंचशील बतलाई गए और प्रेम से पाठ के मोई पढ़ायो और तब ही से सब भूल गई जब ध्यान धरो तब गौतम को आयो। तथागत चीवर धारी हाँ तुम्हें दिलीप पुकारे हाँ शरण हम पड़े तुम्हारे हाँ लाज दुखियन की बचाए जाओ हाँ। का कहूं बात गौतम आए आधी रात सखी खेची चुनरिया मोको जगायो और बुद्धरो धम्म को ज्ञान दयो गुया संघ को पाठ के मोहरी पढ़ायो और तब ही से सब भूल गई जब ध्यान धरो तब गौतम को आयो। पंचशील बतलाई गए और प्रेम को पाठ के मोई पढ़ायो और तब ही से सब भूल गई जब ध्यान धरो तब गौतम को आयो। तथागत चीवर धारी हाँ शरण हम पड़े तुम्हारी हाँ लाज दुखियन की बचाए जाओ हाँ तुम्हें दिली पपुकारे हाँ। ए पूजा ध्यान लगाई करे और प्रेम से सादर मोम जलावे और चित लगाई भजे तुमको भगवान बुद्ध को मार्ग पावे। ए ज्ञान को दीपक बारी धरे तब मोम से ज्योति सम्मुख जलावे दिलीप कबीत विचारी कहे सब कारण दुख विनाश करावे। तथागत चीवर धारी हाँ शरण हम पड़े तुम्हारी हाँ लाज दुखियन की बचाए जाओ हाँ। शरण हम पड़े तुम्हारी हाँ
लाज दुखियन की बचाए जाओ हाँ, तुम्हें दिली पपुकारे हाँ। प्रथम बंदना बुद्ध तथागत विश्व को तीनों अज्ञान महान, और द्वितीय बंदना भीम राव की बाबा भारत रचो संविधान। सुमिर जलुम्बिनी बन को जापे बुद्ध जन्म ले आए, और दक्षिण सुमिर बौद्ध गया को जहां पर पायो है इनने ज्ञान। संभरी के बैठाओ लला ढोलक पे, अब ही न गयो बूढ़ा पोयवा, और जब लोते ही मैं तमकाई मह अंधा धुंध बजे किरपानी। तो गौर करना मेरे बंधुओं, जितने भी ये पाखंडवादी लोगों ने हमारे भारत देश के अंतर्गत त्यौहार और पूजा इनको बनाने का काम किया गया है, आइए आज मैं उन्हीं पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ लोगों की बेहद मांग पर। तो विचार करते हैं, जितने भी मुख्य रूप से त्यौहार हमारे भारत देश में मनाए जाते हैं, जिन त्योहारों के कारण एक तो अंधविश्वास फैल रहा है और दूसरे हमारे समाज में दरिद्रता आ रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। तो आइए विचार करते हैं लोगों, बड़ी सुंदर ये लाइनें, हर त्यौहार के बारे में संपूर्ण जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो विचार करते हैं, सुनो सभी दे ध्यान लगा कर कान, बात बतलाऊं इन त्योहारों का असली दादा भंडा फोड़ सुनाऊं। कोई सब त्योहारों का असली हम भंडा फोड़ सुनाऊं। भैया भारत देश के अंदर कैसे पर्व बनाए, भैया भारत देश में कैसे सब त्योहार बनाए हैं।
करना लोगों, इस हमारे भारत भूखंड में तरह तरह के तमाम त्यौहार बनाए गए। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि त्यौहार का मतलब क्या होता है। तो गौर करते हैं, सर्वप्रथम जो त्यौहार आता है जिसे वैदिक धर्म के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा, आषाढ़ी के नाम से जाना जाता है। आइए उस आषाढ़ी का असली रहस्य मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आषाढ़ी का मतलब क्या होता है और वैदिक धर्म वालों ने क्या बताया है असली आषाढ़ी का महत्व। तो विचार करते हैं और ध्यान देते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा हिंदू पथ में क्यों ये मनाया जाता है? आषाढ़ी पूर्णिमा हिंदू पथ में क्यों ये मनाया जाता है? महर्षि है वेद व्यास का जन्म बताया जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा हिंदू पथ में क्यों ये मनाया जाता है? महर्षि कोई वेद व्यास का जन्म बताया जाता है। ए पीली वस्तु का दान करो, ए पीली वस्तु का दान करो, ये ढंग मनाया जाता है। पल से पानी ले जा कर के खूब चढ़ाया जाता है। पीली बस्तुन का दान करो, पीली बस्तुन का दान करो, कोई ढोंग मनाया जाता है। पीपल पे पानी ले जा करके खूब चढ़ाया जाता है। भारत में फैला हुआ ढोंग, भारत में फैला हुआ ढोंग, ये मेरी समझ ना आता है। भारत की भोली जनता को ढोंगों में फंसाया जाता है। विचार करें लोगों, वैदिक धर्म के अनुसार आषाढ़ी पर्व जो है, इस दिन बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, लोग पानी ले जाकर के पीपल पर खूब चढ़ाते हैं। मैं पानी चढ़ाने का विरोध नहीं करता हूं, आप पानी ले जाकर के एक लोटा या दो लोटा डालेंगे तो वृक्ष अच्छी तरीके से पानी को पाएगा। गांव में कितने लोग रहते हैं, सभी लोग जाकर के जब पानी डालेंगे तो पेड़ जो है हरा भरा और संतुलित रहेगा। बट पीली वस्तुओं को दान करने का जो महत्व बताया गया, ये सब क्या है? केवल पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने अपनी धर्म की दुकान चलाने के लिए हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया गया। और इसका असली जो रहस्य है उस पर आप लोग विचार करें कि इस आषाढ़ी पूर्णिमा का असली रहस्य क्या है, आप लोग ध्यान देंगे। क्या सत्य बात है इस दिन की, कोई सुनियो ध्यान लगा करके, और सारनाथ में बुद्ध जी ने उपदेश दिया था जा करके। इस दिन की तुम सुनियो ध्यान लगा करके, और सारनाथ में गौतम बुद्ध उपदेश दिए थे जा करके।
भद्र जो ब्राह्मण थे उनको उपदेश सुनाया था। क्या हुआ? ए पंच भद्र जो ब्राह्मण थे उनको उपदेश सुनाया था, और धम्म चक्र परिवर्तन का मन में निश्चय ठहराया था। गौर करें लोगों, इस दिन क्या हुआ था? राजकुमार सिद्धार्थ ने गृह त्याग करके जब इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो प्रथम उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में पंचभद्री ब्राह्मणों को दिया था। उसी दिन से आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था, आषाढ़ी पूर्णिमा के ही दिन से ये जो है आषाढ़ी पूर्णिमा का प्रचलन हुआ था। इसे अशोक वो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। ये हमारे बुद्ध धम्म के लोगों का पर्व हुआ करता था, लेकिन पाखंडवादी लोगों ने क्या किया, अपने खाने और लूटने के लिए हमारे समाज के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया और महर्षि वेदव्यास का जन्म बता दिया। ये असली जो है आषाढ़ी पूर्णिमा का जो है रहस्य है, आप लोग विचार करें और ध्यान दें। इसके बाद में आती है तीज पूजा। तीज पूजा में लोग क्या करते हैं, तीज पूजा में देखता हूं मैं कि गांव की माताएं बहनें जो होती हैं वो ले जाकर के कुछ खीर पूड़ी और ना जाने कितना आटा वाटा इधर उधर का बवाल ले जाकर के, और एक भैया पवन, एक वो जो झूठी होती उनको क्या कहते हैं, उरकैया, ये देहाती भाषा में उरकैया कहा जाता है, और जिसे मूंज पतावर के नाम से भी जाना जाता है, उसको खोद करके लाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और चींटियों को डालती हैं, क्या डालती हैं, चुंगाती हैं। इस दिन को केवल पाखंडवादी लोगों ने अपने लूटने और मांगने खाने का धंधा बनाने के लिए इस त्यौहार को बना दिया गया, क्योंकि जो भी त्यौहार बने हैं वास्तविक रूप में कहीं ना कहीं पर इनमें रहस्य भरा हुआ है। पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने केवल लूटने और खाने के लिए तीज पूजा का भी प्रचलन कर दिया। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग पूजा करते हैं, पूजा का वास्तविक अर्थ क्या होता है, पूजा, पू माने पूरी, जा से जानकारी, जिस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को उसी की पूजा करें, कदापि पूजा न करें। मैं आप लोगों को ये एक आश्वासन दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं ये एक बुद्ध धम्म का मार्ग बता रहा हूं। तो आइए विचार करते हैं। इसके बाद में जो गुड़िया पूजा और नाग पंचमी का पर्व आता है त्यौहार, इस पर अब हम जरा दृष्टि डालते हैं और ध्यान देते हैं कि इसका पाखंडवाद क्या है और ये क्या है, इसकी असलियत क्या है, आप लोग विचार करेंगे और सुनेंगे। अगर बात सत्य लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारी बात से कितने लोग सहमत हैं वो लोग अपनी कमेंट बॉक्स में विचार लिखना। तो ध्यान देते हैं लोगों कि क्या नाग पंचमी होती है ये तुमको आज बताएंगे। पंचमी होती है यह तुमको आज बताएंगे। ढोंगी लोगों का खेल है क्या, वो सभा बीच दर्शाएंगे। पवन, ये नाग पूजा जो है, ये नाग कोई सांप नहीं है,
ये हमारे नाग वंश के महान पूर्वज राजा और महाराजा हुआ करते थे। इनका श्रृंगार किया गया कैसे? कैसे संहारा नाग वंश, असली घटना समझाएंगे। मेरे नाग वंश का नाश किया, इतिहास वही बतलाएंगे। गौर करते हैं लोगों कि ये असली जो है गुड़िया पूजा और नाग पंचमी क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। ये जो नाग पंचमी होती है, इसके दिन माताएं जो होती हैं नागों की पूजा करती हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या होती है हमारे समाज के लोगों ने नहीं जाना, अपने इतिहास को नहीं जाना। ये नाग कोई सांप नहीं हुआ करते थे, ये नाग वंश के हमारे महान राजा महाराजा हुआ करते थे। जैसे कि अनंतनाग, बासुकीनाग, शेषनाग, पद्मनाग, कालियानाग, ककोटिकनाग, स्तरनाग, शंखपाल, कालियानाग, पिंगलनाग और इस तरीके से हमारे तमाम राजा हुआ करते थे। इनको इन पाखंडवादी लोगों ने मौत के घाट उतारने का काम किया। तो मेरे लोगों, होता क्या है विचार करते हैं कि ये नाग वंश के योद्धा थे, इनका यश भारी छाया था। पाखंडी लोगों ने देखा तब मन निश्चय ठहराया था। भारी छाया था, पाखंडी लोगों ने देखा तब मन निश्चय ठहराया था। क्या हाल हुआ राजाओं का, क्या हाल हुआ राजाओं का, कुछ मेरी समझ नहीं आया था। क्या दशा हुई राजाओं की, ये गदा तो सब छिपाया था। भैया धीरे धीरे सबरे हमारे राजा मारी दे, भैया धीरे धीरे सबरे हमारे राजा मारी दे। राजा मार दे कि भैया राजा मार दे, भैया धीरे धीरे सबरे हमारे राजा मार दे। तो गौर करना मेरे लोगों, ये नाग पंचमी का जो असली रहस्य है वो आप लोगों को हम बताने के लिए जा रहे हैं कि नाग पंचमी के दिन जो नागों की पूजा हुआ करती है, इसका असली रहस्य यह है कि एक बार हमारे ये जो नागवंशी राजा थे, इनको एक महान राजा हुए हैं जिनका नाम था परीक्षित। उनका एक लड़का था जिसका नाम था जनमेजय। तो हमारे तमाम नागवंशी राजाओं को जो है अग्नि में जला दिया था, आग लगा दी थी। तमाम हमारे राजा महाराजा लोग अग्नि में, और हमारे नागवंशी के लोग तमाम जो है अग्नि में जल गए थे। इसके उपरांत जो है हमारे जो महान नागवंशी लोग थे उनसे इन आर्यों के बीच में युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ
तो इन आर्यों की हार हुई और नागवंशियों की जीत हुई। जब जीत हुई नागवंशियों की, आर्यवंशी लोग हार गए, तो उसी के डर के कारण इन पाखंडवादी लोगों ने जो है नागों की पूजा करना शुरू करवा दिया था। इसके बाद में जो है हमारे बहुजन समाज में जो एक पर्व और बड़ी जोरों से चल रहा है त्यौहार, जिसे लोग गुड़िया पूजा के नाम से जानते हैं। तो एक गुड़िया पूजा क्या है और इसका वास्तविक सच क्या है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जरा विचार करना और ध्यान देना। कि जो नाग वंश की महिला थी वो बौद्धिष्ठ विचारों वाली थी, और इसी पंचमी के दिन वो सब बुद्ध वंदना करती थी। जो नाग वंश की महिला थी बौद्धिष्ट विचारों वाली थी, और इसी पंचमी के दिन वो है बुद्ध वंदना करती थी। मौका देखा तब आर्य ने उन पर फिर करी चढ़ाई है, देखा वो सुंदर माताओं को इन्होंने मार लगाई है। और ऐसा ही नहीं भैया अनुज, पंचमी दिन मेरे भैया नाग वंश बतलाते हैं, ये नाग वंश की माताएं सब पूजा करने जाती थी। स्नान ध्यान करके माताएं पीपल के ढिंग को जाती थी, और बुद्ध वंदना धम्म वंदना संघक पाठ तो पढ़ती थी। अपने अपमान के बदले में ढोंगिन ने करी चढ़ाई थी, और इज्जत को लीला मकरन की मन निश्चय ठहराई थी। इज्जत पर के हाथ तो डाला और भारी मार लगाई थी, और पीट पीट कर माँ बहनों पर इन्होंने मार लगाई थी। और करें लोगों, इन पाखंडवादी लोगों ने क्या किया, जब हमारे नागवंशी लोगों को इन्होंने अग्नि में जला दिया, अग्नि में जलाने के बाद में जब ये हमारे नागवंशी राजाओं ने जाना, तो इन आर्यों से युद्ध हुआ,
और आर्यों का युद्ध जब और नागवंशी लोगों का हुआ, नागवंशी और आर्यवंशी लोगों में जब युद्ध हुआ तो ये आर्यवंशी लोगों की हार हुई और नागवंशी हमारे समाज के लोग जीत गए। जब ये जीत गए तो इन्हीं अपमान का बदला लेने के लिए इन्होंने जो है डर के मारे इन्होंने पूजा करना नागों की शुरू करवा दी थी। ये नाग पंचमी जो थी ये नाग पंचमी का वास्तविक रहस्य है और गुड़िया पूजा का मतलब ये है उसी अपने अपमान के बदले में इसी नाग पंचमी वाले दिन हमारे बहुजन समाज की, हमारे नागवंशी समाज की माताएं बहनें जो हैं वो पीपल के नीचे जाकर के स्नान ध्यान करके बुद्ध और धम्म वंदना किया करती थीं। मौका देख करके इन पाखंडवादी आर्य लोगों ने क्या किया, उन पर चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करने के बाद मेरे लोगों उनकी भारी पिटाई की थी, उनको मारा था और मेरे लोगों उनकी इज्जत भी बेइज्जत करने की सोची थी। आज भी आज तक वो प्रथा चलती चली आ रही है कि हमारे समाज की माताओं बहनों को क्या किया जाता है, हमारी बहनें दूर दूर से चल करके जहाँ पर विवाही होती वहाँ से आती हैं और गुड़िया डालने के लिए जाती हैं, गुड़िया डालती हैं और वहाँ पर लड़के सब उनको कोड़ों से पीटते हैं। वो प्रथा आज तक चलती चली आ रही है। मेरे समाज के लोगों जरा जागो, अपने अपने बच्चों को समझाओ कि अपनी अपनी बहनों को कब तक पीटते रहोगे। मेरे लोगों, ये हमारा भारत देश जो था नागवंशी राजाओं का देश था। पाखंडवादी लोग एक बात और भी कहते हैं, भैया अनुज लक्ष्मीकांत जानते हो क्या कहते हैं, कि ये पृथ्वी जो है ये शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। ये बात इनकी सत्य है लेकिन शेषनाग के फन पर नहीं टिकी हुई है, ये नागवंशी राजाओं के दम पर टिकी हुई है। जो नागवंशी हमारे राजा हुआ करते थे और नागवंशी जो आज हमारे देश में रह रहे हैं उन्हीं के दम से ये हमारा देश चल रहा है, ये पृथ्वी टिकी हुई, क्योंकि इन पाखंडी लोगों को पता है कि अगर ये नागवंशी लोग भड़क गए तो एक दिन भूचाल आ जाएगा। शायद इसीलिए नागपुर जो है नागवंशी लोगों का ये स्थान है, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था, नागपुर में ही जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 10 लाख अनुयायियों के समक्ष धम्म की दीक्षा ली थी। इसीलिए नागपुर की धरती को बाबा साहब ने चुना था धम्म दीक्षा लेने के लिए। ये नागवंशियों का हमारा देश और इन पाखंडवादी लोगों ने नाग पूजा में बदल दिया, गुड़िया पूजा को बता दिया, गुड़िया पीटना बता दिया। मेरे समाज के लोगों जागो, सोचो विचार करो कि ये गुड़िया पूजा पीट रहे हो गुड़िया को, ये गुड़िया कोई और नहीं, ये हमारी तुम्हारी बहनें हैं जिनको आज हम लोग पीट रहे हैं, आप लोग पीट रहे हो, कब तक अपनी बहनों को पीटते रहोगे, जरा अपनी बुद्धि को खोलो। ऐ मेरे समाज के लोगों, ये गुड़िया पूजा और नाग पंचमी का असली और वास्तविक रहस्य है। तो आइए विचार करते हैं, इस गुड़िया पूजा के बाद में एक और भी बहुत सुंदर त्यौहार आता है जिसका नाम है रक्षा बंधन, जो भाई और बहन का बहुत ही पर्व यानी प्यारा त्यौहार बताया जाता है। इसका वास्तविक और असली इसका मतलब क्या है, तो आइए हम विचार करते हैं और ध्यान देते हैं बंधुओं रक्षा बंधन के बारे में। अरे एक बार गौतम बुद्ध ज्ञानी, एक बार गौतम बुद्ध ज्ञानी और बैठे बीच जैत बन माही, और उसी समय कपुरुष दिखाया, उसी समय कपुरुष दिखाया और हाथ जोड़ के शीश नवाया, अरे एक बार गौतम बुद्ध ज्ञानी
औ बैठे जय तबनी बिच माही अरे उसी समय एक पुरुष दिखाया अरे उसी समय एक पुरुष दिखाया और हाथ जोड़ी के सर को नाया और पूछा कहाँ कल्याण हो सारा और देखा सारा जगत पसारा अरे पूछा कहाँ कल्याण हो सारा और देखा सारा जगत पसारा अरे भये प्रसन्न गौतम बुद्ध ज्ञानी भये प्रसन्न गौतम बुद्ध ज्ञानी अपुरुष तेज को तेज की बानी विचार करें लोगों एक बार की बात शाक्य मुनि तथागत बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जो अनाथ पिंडक जैतवन बौद्ध विहार श्रावस्ती में सुबह के टाइम स्नान ध्यान करके बैठे हुए थे उसी समय में एक सज्जन पुरुष आया उसने हाथ जोड़ करके बुद्ध से कहा ये रक्षाबंधन का असली रहस्य हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं लेकिन इसका हिंदू धर्म में जानते हो क्या कारण बताया जाता है हिंदू धर्म में ये बताया जाता है कि एक बार की बात है जो है वो द्रौपदी जो थी ये श्री कृष्ण की बहन थी और श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तो द्रौपदी ने देखा खून बह रहा है तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके उनके हाथ में बांध दिया उसी जगह से ये रक्षाबंधन का प्रचलन हुआ और एक बार की बात और एक तरीका बताया जाता है वैदिक धर्म के अनुसार कि ये रक्षाबंधन का पर्व जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था कर्मावती उनके ऊपर कुछ उनके खिलाफी यानी विपक्षी लोगों ने चढ़ाई कर दी उसी समय उन्होंने जो है राजा जो है एक बहादुर शाह हुआ करते थे उनके लिए जो है एक पत्र भेजा था और उनसे कहा था कि तुम हमारी रक्षा करने के लिए आओ पत्र में राखी भेजी थी अपनी जो अपना खुद तो बहन बनी और उनको भाई बना करके उनके लिए पत्र और राखी भेजी थी तो उन्होंने आकर के उनकी रक्षा की यानी रक्षा कब की जब वो मर गई उनकी चिता जल रही थी तब वहाँ पर जाकर के बहादुर शाह पहुँचे उन्होंने भी रक्षा नहीं कर पाई द्रौपदी जो थी उन्होंने हाथ में सब साड़ी का पल्लू फाड़ करके बांध दिया लेकिन मैं ये कह देना चाहूँगा जब द्रौपदी की इज्जत लीलाम हो रही थी द्रौपदी को मेरे बंधुओं जब उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था उनकी साड़ी खींची जा रही थी तब कन्हैया नहीं पहुँचे कन्हैया एक बात आप विचार करें कि किसी की बहन बेटी का हाथ पकड़ लो क्या तब उसकी इंसर्ट नहीं होती है केवल उसके साथ में कुकर्म ही किया जाए तभी उसकी इंसर्ट होती है द्रौपदी को बाल पकड़ करके खींचते हुए ले जाया गया लेकिन उनकी इंसर्ट नहीं हुई कन्हैया ने क्या किया जब उनकी साड़ी पकड़ करके खींची गई ये इंसर्ट हुई लेकिन लोग कहते हैं ये इंसर्ट नहीं हुई ये उनकी बेइज्जती नहीं हुई पहुँचे कब जब उनकी साड़ी खींची गई तब तो लोगों विचार करो कहाँ रक्षा कर पाए कन्हैया और कहाँ रक्षा कर पाए वो बहादुर शाह इसका मुख्य उद्देश्य जो है एक बार तथागत बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक जैतवन में बैठे हुए थे
उसी समय की ये बात है मेरे लोगों। एक पुरुष ने आकर के पूछा है, तथागत बुद्ध आप हमें ये बताएं कि संसार में जो दुख है इसका निवारण क्या है, इस दुख से संसार में कल्याण कहाँ है। तो तथागत बुद्ध ने उसे कहा, उसकी बातों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उससे कहा, सुनो आज तलक इस ऐसा सवाल मुझसे किसी ने नहीं किया, तुमने जो मुझसे सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल किया है, मैं तुमको तुम्हारी बातों का उत्तर जरूर दूंगा। तो मेरे बंधुओं तथागत बुद्ध ने उन्हें क्या बताया है विचार करना और ध्यान देना। अनुकूल स्थान पर सदा रहो और विवेक विचार शब्द बोलो, अनुकूल स्थान पर सदा रहो और विवेक विचार शब्द बोलो, और सेवा मात पिता की करो और मन और वचन कर्म जोड़ो। अनुकूल स्थान पे सदा रहो अविवेक विचार शब्द बोलो, और सेवा माता पिता की करो और मन और अधर्म कर्म छोड़ो। ए विनम्र और संतोष करो और क्षमाशील का पाठ करो, ए विनम्र और संतोष करो और क्षमाशील का पाठ करो। भय छोड़ रहो संसार में इसे और शुभ सुंदर सब काम करो। भैया ऐसे ऐसे वचन तो बुद्ध ने उसे बताए, भैया ऐसे ऐसे वचन तो उसको बुद्ध बताए। ए मेरे लोगों विचार करना, बुद्ध ने उनसे कहा, सुनो आज तलक ऐसा सवाल हमसे किसी ने नहीं किया, अगर तुमने किया है तो मैं तुम्हें बताने की जरूर कोशिश करूंगा। बुद्ध ने उनसे कहा, सुनो सदैव इस जो है अनुकूल स्थान पर रहो और बुद्धि से काम करो, माता पिता और गुरु की सेवा करो, यही उत्तम मंगल है, और विनम्र रहो संतोष रहो क्षमाशील का पाठ करो, यही उत्तम मंगल है। बुरे कर्म को छोड़ करके अच्छे कर्म करो, यही उत्तम मंगल है। ऐसे ऐसे करके मेरे बंधुओं उसे आठ सूत्र जो है बुद्ध ने उस नवयुवक को दिए थे, आठ सूत्र बुद्ध ने उसे दिए थे, और आठ सूत्र देने के बाद में बुद्ध ने उसको मतलब जो है संसार में सुखी रहने का कारण बताया था। लेकिन मेरे बंधुओं होता क्या है, मेरे लोगों गौर करना, जब सुत्त बुद्ध ने उसको दिए और सुत्त देने के बाद में उसके हाथ में एक सफ़ेद धागा बांधा था, धागा बांध करके, और इस धागे का कारण क्या है, धागा इसलिए बांधा था कि उसने बुद्ध और धम्म को ग्रहण कर लिया है, बुद्ध के धम्म को ग्रहण किया है, इसीलिए बुद्ध ने उसके हाथ में सुत्त जो है दे करके उसके हाथ में सफ़ेद धागा को बांधा और कहा, क्या कहा, कि तुमने आज से पाखंडवाद और अंधविश्वास को छोड़ करके धम्म का मार्ग अपनाया है, इसीलिए ये तुम्हें निशानी के रूप में तुम्हारे हाथ में बांधा जा रहा है। और वास्तविकता ये है कि पहले समय में ऐसा हुआ करता था कि जो लोग हिंदू धर्म से परेशान होकर के
बुद्ध धम्म को धारण कर लेते थे, बौद्धिष्ट हो जाया करते थे, उनके हाथ में एक मंगल सूत्र देकर के उनको इसी प्रकार से जो बुद्ध ने दिए थे उस युवक को वही सूत्र बता करके बौद्ध भिक्षु लोग उनके हाथ में एक सफ़ेद धागा बांध दिया करते थे। वो काहे के लिए बांधते थे कि वो उनकी निशानी है कि तुमने बौद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया है, बौद्ध धम्म को स्वीकार करने की ये निशानी है, तुमने हिंदू धर्म के आतंकों से परेशान होकर के बौद्ध धम्म को स्वीकार किया है, इसीलिए ये तुमको निशानी के रूप में तुम्हारे हाथ में बांधा जा रहा है और 8 सूत्र दिए जा रहे हैं। मेरे लोगों, हुआ क्या, और एक प्रथा ये भी पहले चलती थी, वो क्या थी? एक प्रथा पहले जो चलती थी वो ये प्रथा थी कि जो है हमारे समाज के लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, मैं अपने समाज के लोगों को समझाने का काम करूंगा। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा महाराजा लोग जो थे वो लड़ाई लड़ने के लिए जाया करते थे, जब युद्ध करने के लिए जाया करते तो जो रानी होती थी राजाओं की, वो उनके दाहिने हाथ में एक मंगल सूत्र बांध देती थी। सूत्र जो बांध देती थी वो काहे की, वो रक्षा की निशानी थी, बताया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, और अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग भी त्योहारों का रहस्य पुस्तक को मंगा लीजिए। वो इसलिए बांध देती थी कि जब राजा लड़े हाथ से तलवार चलाए तो जब इस तरीके से तलवार चलाएगा, तलवार चलाते वक्त वो हाथ में जो बंधा सूत उसको देखेगा, क्योंकि पति जो होता है पत्नी का भगवान बताया जाता है, लोग कहते हैं, लिखा भी गया है कि वो इसलिए बांध देती थी कि तुम लड़ने जाओ जब तो तुम हमारा भी ख्याल रखो कि ये धागा मैंने तुमको बांधा, ये सूत मैंने तुमको बांधा है, अगर तुम इस युद्ध से वापस नहीं आए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगी। इसीलिए उस सूत को देखते देखते लड़ते थे, और अपनी रानी की यादगार में जो है उनके दिलों और दिमाग में रोष छा जाता था, और अपनी रानी की रक्षा के लिए उनके सुहाग को बताया जाता, सुहाग को संपन्न रखने के लिए जो है वो जोर और तोर से लड़ाई करते थे ताकि उनकी रानी भी जीवित रहे और वो भी जीवित रहें, उनके अंदर एक रोष बना रहे। इसलिए ये इसी प्रकार से ये जब इंद्र लड़ाई लड़ने के लिए गए थे तो इंद्र के हाथ में इंद्राणी ने बांधा था धागा, वो तो उसी को मेरे बंधुओं इन पाखंडवादी लोगों ने क्या बता दिया कि इंद्र के द्वारा जो इंद्राणी के बांधा गया, इंद्राणी के द्वारा जो इंद्र के बांधा गया था उसी को इन पाखंडवादी लोगों ने बदल करके रक्षा सूत्र की बजाय इन्होंने जो है उसे रक्षा बंधन कर दिया। लेकिन मेरे बंधुओं ऐसा कुछ नहीं था, इसका वास्तविक सच यही था कि जब हिंदू धर्म से कोई परेशान होकर बुद्ध धर्म को स्वीकार करता था तो उसके हाथ में ये सूत्र बांध दिया जाता था, रक्षा सूत्र यानी मंगल सूत्र, महामंगल गाथा के साथ, अष्टमंगल गाथा के साथ उसे दे करके अष्टमंगल गाथा उसके हाथ में जो है रक्षा सूत बांधा जाता था, वो हिंदू धर्म को त्यागने की निशानी हुआ करती थी। लेकिन पाखंडवादी लोगों ने जब इसका प्रचलन ज़्यादा देखा तो इन पाखंडवादी लोगों ने उसे बदल करके इंद्राणी द्वारा इंद्र के बांधे गए रक्षा सूत को इन्होंने रक्षा बंधन कर दिया। ये रक्षा बंधन का असली रहस्य मेरे बंधुओं, तो आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे समाज के लोग ना समझते हैं और ना विचार करते हैं। तो आइए विचार करते हैं और गौर करते हैं। इस रक्षा बंधन के बाद में एक और पर्व आता है त्यौहार, जिसको कहते हैं करवा चौथ। तो आइए अब हम करवा चौथ पर नज़र डालते हैं और ध्यान देते हैं बंधुओं। कि मूल निवासी राजाओं का था आर्यों ने संहार किया, सुंदर सुंदर जो रानी थी अपने चुंगल में फंसा लिया, निवासी राजाओं का था आरुण श्रृंगार किया,
सुंदर सुंदर जो रानी थी अपने चुंगल में फंसा लिया। पद की रक्षा करवाने को नारिन को दासी बना लिया। पति ही सेवा पति ही में मायर कर्मो धर्म तो बता दिया। भैया ढोंगी लोगों ने तो हमको खूब सताया है। भैया ढोंगी लोगों ने हमको तो खूब सताया है। गौर करना लोगों कि इन पाखंडवादी विचारधारा के लोगों ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। सदियों से हम लोगों को सताया, हम लोगों को बेवकूफ बनाया। जो हमारे देश के मूल निवासी राजा हुआ करते थे उन जो है राजाओं का जब श्रृंगार कर दिया, उनकी जो सुंदर सुंदर रानियां थी उनको अपने कब्जे में कर लिया, उनको दासी बना लिया, और दासी बनाने के बाद में उनको पति ही परमेश्वर और पति ही सेवा पति ही मेवा पति ही सब कर्म धर्म होता है ऐसा कह दिया औरतों से, उन सुंदर सुंदर रानियों से जो हमारे बहुजन समाज की माताएं हुआ करती थीं, उनको अपनी दासी बनाने का काम किया। क्योंकि इन आर्य और अनार्यों की जो है लड़ाई हमेशा चलती चली आ रही। एक बार आर्य और अनार्यों की जब लड़ाई हुई तो जो है आर्यों की हार हुई और अनार्यों की जीत हुई। जब अनार्यों की जीत हुई और मेरे बंधुओं इन पाखंडवादी लोगों ने हारने के बाद में जब धोखे और छल कपट से हमारे राजाओं को मार दिया, तो हमारे बहुजन समाज की माताएं जो थीं, हमारे बहुजन समाज की आर्यों की आर्यों ने हमारे बहुजन समाज की माताओं को अपने बस में कर लिया। और बस में किया क्यों? बस में इसलिए किया कि ये सुंदर सुंदर हैं, इनको अपने बस में कर लेंगे, इनको अपनी दासी बना लेंगे, इनको पति ही परमेश्वर बता देंगे, तो ये हमारी सेवा करेंगी और हमसे खिलाफ नहीं होंगी, हमारी रक्षा करेंगी। उनको दासी बनाने का काम मेरे बंधुओं पाखंडवादी लोगों ने किया। और मेरे लोगों इनको पति पूजा करने को भी बता दिया। मेरे लोगों पति पूजा करने को बताया। जहाँ पर देखो हमारे समाज के लोगों के साथ में छल कपट और धोखा भी किया। बहुत से लोग ये करवा चौथ के बारे में ये भी बताते हैं कि ये भूत प्रेत वाली कुछ कहानी बताते हैं, लेकिन ये भूत प्रेत वाली कहानी हमारे समझ के बाहर पड़ती है। क्योंकि बुद्ध धम्म के अंदर भूत और प्रेत, आत्मा परमात्मा भाग्य भगवान स्वर्ग नर्क ये कुछ नहीं मान्य है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैंने जो पढ़ा है, इन आर्य लोगों ने हमारे समाज की माताओं बहनों को अपने कब्जे में कर लिया और इनके अंदर दहशत भर दी। बता दिया कि पति की पूजा करो, व्रत रहो, नारी को दासी और भोग विलास की सामग्री बना लिया मेरे लोगों। तो लोगों ये गौर करने की बात है और विचार करने की बात है। ये करवा चौथ जो है हमारे समाज का पर्व, हमारे समाज का त्यौहार नहीं है। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। अपनी अपनी माताओं बहनों को, माताओं को सभी लोग अपनी अपनी बहनों को समझाओ और बताओ। अधिक जानकारी के लिए हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप लोग संपर्क करो तो आप लोगों को हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में हर तरीके की जानकारी हम नहीं दे सकते, क्योंकि मेन मेन बिंदु ही वीडियो में हम आप लोगों को बता सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं, ये करवा चौथ का ये जो पाखंडवाद बनाया ढोंगी लोगों ने अपने धर्म की दुकान चलाने के लिए, ये भी हम बौद्धों का पर्व और त्यौहार नहीं है। आइए और विचार करते हैं। इस त्यौहार के बाद में एक त्यौहार आता है जिस त्यौहार का नाम है दीपावली। दीपावली का असली रहस्य क्या है? वैदिक धर्म के अनुसार मेरे लोगों बताया जाता है
कि इस दिन ये कार्तिक माह की पूर्णिमा को मना पूर्णमासी को मनाया जाता है। ऐसा ही तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये वैदिक धर्म के अनुसार बताया गया कि इस दिन भगवान राम जो है 14 वर्ष का वनवास काट करके अपनी नगर अयोध्या को आए थे, तो लोगों ने जो है खूब धूमधाम से इनका स्वागत सम्मान, पटाखे, आतिशबाजी और खूब दिए मोमबत्तियां जलाई थीं। लेकिन मेरे लोगों, इसका वास्तविकता, इसकी असलियत कुछ और ही है। तो आइए हम आप लोगों को विचार करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप लोग ध्यान से सुनें और विचार करें क्या है। लोगों, हमारे समाज में जितने भी राजा महाराजा हुए उनको धोखे से मारने का काम किया गया। जब हमारे एक मौर्य वंशी महान सम्राट राजा हुए हैं, जिन्हें लोग काफ़ी अच्छी तरीके से, मिनिमम संपूर्ण भारतवर्ष के लोग जानते हैं, जिनका नाम महान सम्राट अशोक हुआ है। महान सम्राट अशोक जो थे, जब धम्म की दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद तथागत बुद्ध के प्रिय भिक्षु जो थे, जिनका नाम था महामोगल्लान, तथागत बुद्ध के प्रिय भिक्षु जो थे उनका नाम था महामोगल्लान, समझ लो कि वो बुद्ध का दाहिना हाथ हुआ करते थे। उन भिक्षु जो थे, उनसे जो बुद्ध का दाहिना हाथ हुआ करते थे, बुद्ध का जो भी काम होता था, धम्म का काम होता था, वो आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। बुद्ध का काफ़ी प्रचार प्रसार, धम्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया करते थे। मेरे बंधुओं, महामोगल्लान जो थे, धम्म का काफ़ी प्रचार प्रसार जो किया करते थे, इन पाखंडवादी लोगों ने इस चीज़ को जब देखा तो इन ढोंगियों को सूट नहीं हुई, तो इन्होंने क्या किया, हमारे बौद्ध भिक्षु महामोगल्लान के साथ में मौका पा करके बड़ी ही दर्दनाक घटना की, मेरे लोगों विचार करना। अरे मौका पा करके भिक्षु की ढोंगी नने करी पिटाई, ने भिक्षु की करी पिटाई, लाठी डंडों से मारी मारी के धरती पे दयो गिराई। की भाकी धोखा की ना है, और ऐसे ढोंग कपट से फिर भी छू को मारा है। भैया ये तो गति जब या सो कौने अर जानी है, भैया ये तो गति जब महान राजा अशोक जानी है। शोकन जानी है भूपया, शोकन जानी है भैया ढोंगिन की ये गति के जब राजा ने जानी है। मेरे लोगों, जब इस प्रकार की गति भिक्षु जो हुआ करते थे, भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय भिक्षु महामोगल्लान जो हुआ करते थे, इनकी पाखंडवादी लोगों ने क्या किया, धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे, मौका पा करके इन पाखंडी लोगों ने जो है भिक्षु महामोगल्लान को, मेरे भाइयों, बहुत लाठी डंडों से मारा, और लाठी डंडों से मार के पीट पीट करके मेरे लोगों उनकी हत्या कर दी। ये गति जब महान सम्राट राजा अशोक ने की, जानी कि हमारे बौद्ध भिक्षु
महामोगल्लान के साथ में इन पाखंडवादी लोगों ने ऐसा सुलूक किया है। वैसे तो महान सम्राट राजा अशोक को सभी लोग जानते हैं कि कितनी लड़ाई उन्होंने लड़ी, उनकी तलवार ने कितना खून पिया। अगर उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा न ली होती तो उन पाखंडवादी लोगों का क्या असर करते वो दर्शक खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन सम्राट अशोक उस समय बौद्ध धम्म की दीक्षा ले चुके थे तो उन्होंने उन पाखंडवादी लोगों के ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के धम्म को धारण करने के बाद में मानव जो है शीलों का पालन करता है, सदाचारी बन जाता है। तो मेरे बंधुओं, इसी अपमान का बदला लेने के लिए मेरे बंधुओं जो है महान सम्राट राजा अशोक ने क्या किया, जो है महान राजा सम्राट अशोक ने एक और मेरे बंधुओं भिक्षु हुआ करते थे, जिन भिक्षु का मेरे लोगों नाम था महाथेर मोगली पुत्र तिस। महाथेर मोगली पुत्र तिस जिनका नाम था, उन बौद्ध भिक्षु के पास में सम्राट अशोक गए और जाकर के उनसे पूछा कि हे बौद्ध भिक्षु, हमें ये बताइए कि इस संसार में तथागत बुद्ध जो हैं उनके धम्म में कितने स्कंध हैं। तो मेरे बंधुओं, इस चीज की जानकारी भिक्षु महाथेर मोगली पुत्र तिस जो थे उन्होंने इनको जानकारी दी कि बुद्ध के धम्म में कुल मिलाकर के 84,000 स्कंध हैं। 84,000 स्कंध हैं, वो 84,000 उपदेश बुद्ध घूम घूम करके मानव कल्याण के लिए दिए थे। 84,000 स्कंध जो हैं तथागत बुद्ध ने इस संसार में घूम घूम करके, टहल टहल करके, भ्रमण करके 84,000 स्कंध बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए दिए थे। आप लोगों को एक बार नहीं, मैं दो दो बार रिपीट करके समझा रहा हूँ। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझ पाते हो तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मैं भी मनोरंजन की कोई कहानी पेश कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं स्टूडियो में आता हूँ, जो भी हमें टूटा फूटा, हमारी टूटी फूटी आवाज़ है, जो भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, जो भी हमें मालूम हो जाता है, मैं पढ़ता हूँ, वो समाज को देने का काम करता हूँ, समाज सुधार के लिए। आप लोग समझो या ना समझो, आपका मान सम्मान आपकी जो है सोच पर निर्भर करता है। तो विचार करते हैं मेरे बंधुओं, जब सम्राट अशोक ने जाना कि 84,000 स्कंध हैं, तो सम्राट अशोक ने उन पाखंडवादी लोगों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए बुद्ध जो है सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को अपनाने के बाद में क्या किया, क्योंकि धम्म को अपना चुके थे, तो विचार करते हैं उन्होंने क्या किया। कि सम्राट ने मन ठहराया था, सम्राट ने मन ठहराया था, हजार 84 स्मारक फिर राजा ने बनवाया था, सम्राट ने मन ठहराया था, 84,000 तो स्मारक फिर राजा ने बनवाया था, और ऐसा ही नहीं लोगों, 84,000 के स्मारक फिर राजा ने का करे तैयार। भैया अनुज, ए 84,000 स्मारक और भूपन फिरकी ने तैयार, कार्तिक महीना की काली रात को राजा ने निश्चय दियो ठहराए।
भैया ज्ञानेंद्र। और उसी रात को असंख्य दीपक भारत देश में तय जलवा, और ढोंगी पाखंडी सब मन में वीरन सोच सोच रह जाए। कि भैया पाटिल पुत्र में राजा ने उद्घाटन कीनो है, कि भैया पाटिल पुत्र में भूपन फिर उद्घाटन कीनो है। मेरे लोगों गौर करना, जिस समय पाखंडवादी लोगों ने महाभिक्षु महामोगलिन को लाठी डंडों से पीट पीट करके मार डाला था, उसी रात को मेरे लोगों ये अमावस्या की काली रात जो थी उसको मेरे बंधुओं इन पाखंडवादी लोगों ने खूब खुशियां मनाई थी, खूब दीपक जलाए थे और पटाखे जलाए उड़ाए थे, आतिशबाजी की थी, यानी खूब खुशियां मनाई थी, क्योंकि भिक्षू महामोगलिन को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। इन्होंने सोचा ये भिक्षु बुद्ध धम्म का काफी प्रचार प्रसार करता था, ये अब मर गया है, अब धम्म का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और हमारा धर्म जो है ये सनातनी धर्म, ये हमारा धर्म बच जाएगा। क्योंकि इन लोगों को डर था अगर बुद्ध का धम्म इसी तरीके से आगे को बढ़ता रहा तो हमारा हिंदू धर्म जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। मेरे बंधुओं इस चीज की जानकारी जब राजा अशोक को मिली तो सम्राट अशोक ने जो महाथेर मोगली पुत्र तिस्स के द्वारा जानकारी मिली कि तथागत बुद्ध ने 84,000 जो है धम्म में 84,000 स्कंद हैं, बुद्ध ने घूम घूम करके लोगों को जो है मानव कल्याण के लिए ये उपदेश दिए थे। तो मेरे लोगों सम्राट अशोक ने इन पाखंडवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्हीं 84,000 स्कंधों की जगह पर 84,000 स्मारक जो है बनवाए थे, 84,000 स्मारक जो बनवाए थे इनकी राजधानी जहां तक फैली हुई थी, अपनी राजधानी में हर जगह पर जब इन्होंने 84,000 स्मारक बनवाए। और मेरे बंधुओं उसी अमावस्या की काली रात को, जिस रात को ये लोग खूब खुशियां मनाते थे, ढोंग मनाते थे, महाभिक्षु महामोगल्लान की मौत पर जश्न मनाते थे, उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए महान सम्राट राजा अशोक ने जो है असंख्यों दीपक जलवाए और खूब खुशियां मनाई। हालांकि आतिशबाजी पटाखेबाजी नहीं करवाई थी, खूब खुशियां मनाई थी, लेकिन मेरे बंधुओं इन पाखंडवादी लोगों ने के लिए वो अमावस्या की काली रात जो थी खुशी की रात थी, लेकिन हम बुद्ध धम्म के लोगों के लिए वो जो है मातम की रात बन गई। लेकिन जब सम्राट अशोक ने इन पाखंडवादी लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया, 84,000 स्मारक बनवा करके असंख्यों दीपक जलाए, खूब खुशियां मनाई, तब पाखंडवादी लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिला। तो मेरे बंधुओं ये असली और वास्तविक हमारे इस जो दीपावली पर्व है, त्यौहार है, ये दीपावली नहीं, इसे दीपोत्सव नाम दिया था सम्राट अशोक ने, इसे दीपोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा था। हमारे बुद्ध धम्म के लोग इसे दीपोत्सव के नाम से जानते थे और मनाते थे, लेकिन पाखंडवादी लोगों ने इसको धीरे धीरे बदल करके हमारे इतिहास को जब जला दिया तो इन्होंने हमारी असली बात जो थी उसको राख की ढेरी में तब्दील कर दिया और अपनी पाखंडवादी विचारधारा की जो बात थी उसको लिख दिया और इसे दीपावली के नाम से प्रचलित कर दिया। इसीलिए हमारा ये जो दीपावली पर्व है इस दिन हम लोग ना तो कुछ करेंगे, ना तो ढोंग आडंबर की कोई भी विचारधारा नहीं करेंगे, ना लक्ष्मी पूजा करेंगे, ना गौरी पूजा करेंगे, ना गणेश पूजा करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, तथागत बुद्ध और धम्म वंदना करेंगे, लेकिन इन पाखंडवादी लोगों का कोई भी हम
बताया हुआ मार्ग नहीं अपनाएंगे। इस दिन केवल हम लोगों को दीपक जलाने हैं, तथागत बुद्ध और धम्म की वंदना करनी है। इन पाखंडवादी लोगों ने लक्ष्मी और गणेश की पूजा करने को बताया, लेकिन ये गणेश और लक्ष्मी पूजा का दिन नहीं है, ये तथागत बुद्ध के धम्म का दिन है। 84,000 स्कंद यानी स्मारक जो बनवाए उनके उद्घाटन का दिन है। अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने 84,000 स्मारकों का उद्घाटन किया था, असंख्यों दीपक जलवाए थे, उसका दिन है। तो मेरे बंधुओं, आप लोगों को विचार करना है। एक दिन, इस दिन की एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। विचार करो, जैसा कि मैं पहले कई कैस्टों में बता चुका हूं कि लक्ष्मी जी उल्लू की सवारी करती हैं। उल्लू को रात में जो है दिखाई पड़ता, दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। वो दिन में दिखाई पड़ता है, वो दिन में शायद नहीं दिखाई पड़ता है ना, दिन में नहीं दिखाई पड़ता है उल्लू को, रात में दिखाई पड़ता है, लेकिन उजाले में नहीं दिखाई पड़ता है। उजाला कहीं भी हो, रात में या दिन में, उल्लू को उजाले में नहीं दिखाई पड़ता है। पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर लक्ष्मी को बुलाते हैं, उल्लू की सवारी लक्ष्मी करती हैं। आप लोग खुद ही विचार करो, उल्लू की सवारी, उल्लू को उजाले में दिखाई नहीं देता, उजाले में उल्लू कैसे आएगा? आप लोगों को समझने की जरूरत है। ये दीपावली हमारा त्यौहार नहीं, हमारा पर्व दीपोत्सव है। हम लोग दीपक जलाएंगे, तथागत बुद्ध धम्म वंदना करेंगे, बाकी कोई पाखंड नहीं करेंगे, आतिशबाजी नहीं करेंगे। आतिशबाजी अगर हम करते हैं तो बुद्ध धम्म वंदना करने में लोगों का ध्यान जो है कटेगा और उनका जो है चित्त एकाग्रत नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को आतिशबाजी नहीं करनी है। मैं बार बार नहीं, एक बार नहीं, 10 बार बताता हूँ। तो आइए, ये दीपावली का असली रहस्य है। इसके बाद में और भी पर्व जो आते हैं, बहुत से पर्व हैं,